चुका हूँ मैं टोयोटा के ऑल्टिस के ड्राइविंग सीट पे। इसमें अंदर 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। तो आपको गाड़ी को थोड़ा मैं रैश चला के दिखाता हूँ कि गाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस है और गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी कैसी है, मतलब सेकेंड गियर में अगर आप डीजल गाड़ी के करेक्टरिस्टिक के हिसाब से पिक करोगे तो पिक होती है नहीं होती, और इनिशियल कैसा है। यार देखो, गाड़ी को 8 साल हो गए, ऐसा पैच है गाड़ी में, आज भी ज़्यादा कोई रैटलिंग है नहीं क्योंकि मेरे पास नई अमेज है, वो मतलब 2 साल हुए उस गाड़ी को, इससे ज़्यादा रैटलिंग मारती है। फिर कंपेयर भी नहीं कर सकते यार, वो 8 लाख की गाड़ी है, सीधा 18-19 लाख रुपये की गाड़ी है। तो यार ये देखते हैं गाड़ी का आप जो ड्राइवेबिलिटी है ना यार, वो मेरे को अच्छी लगी गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी। गियर भी सॉफ्ट है, इसके स्टेयरिंग भी सॉफ्ट है, जैसे टोयोटा की गाड़ी में काफ़ी हार्ड स्टेयरिंग आता है, स्टेयरिंग सॉफ्ट है और ये गाड़ी के ना गियर्स भी काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब लॉन्ग गियर नहीं है, ना कोई इसका गियर वाइब्रेट करता फॉर्चुनर और इनोवा की तरह। गाड़ी का आप स्टेयरिंग देख सकते हो, गाड़ी की स्टेयरिंग में मेरे को एक शिकायत लगी यार, गाड़ी का स्टेयरिंग ना डेड है। जैसे अब ये देखो, आप जैसे सीधा चल रहा हूँ मैं, गाड़ी के स्टेयरिंग को इतना मूव भी कर रहा हूँ ना, देखो गाड़ी सीधी चल रही है, स्टेयरिंग में कोई गाड़ी कोई मूवमेंट नहीं कर रही, देखो ऐसे ही रहेगा स्टेयरिंग। तो यार ये मेरे को थोड़ा सा इसमें फॉल्ट लगा कि इसकी स्टेयरिंग यार बिल्कुल डेड है, देखो हल्का से पकड़ते ऐसे ऐसे हो जाता है, इसके बाद इसमें फील आनी शुरू होती है। ये देखो भाई, गाड़ियाँ टो रही हैं, पार्किंग में खड़ी करो। तो यार ये स्टेयरिंग थोड़ा इसका मेरे को डेड मिला, और देखो ब्रेकर्स पे तो कंफर्ट अच्छा, गाड़ी में कोई फील नहीं आती कि जर्क वगैरह फील नहीं होता, आराम से गाड़ी ब्रेकर्स पे से ग्लाइड कर जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी भगा के दिखाता हूँ। ये देखो 2000 RPM पे इसका टर्बो ऑन होता है, जैसे सभी डीजल गाड़ी का अराउंड 2000 पे होता है। यार 2000 के बाद गाड़ी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बिल्ड कर लेती है। देखो सेकंड गियर है, मैं जैसे इसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो देखो उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं है जैसे आपको उसमें मिल जाती है, मतलब आप जैसे वरना वगैरह में बहुत ही ज़्यादा सुपर परफॉर्मेंस मिलती है। पर यार ये ना मतलब एज्ड आदमी है और उसे थोड़ा बहुत गाड़ी अपने ऑफिस जाने के लिए चाहिए, मतलब क्लास के लिए गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ी से भगाने से कोई, उसे बस कंफर्ट चाहिए गाड़ी में, तो यार उनके लिए गाड़ी काफ़ी ऑसम है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी की रिलायबिलिटी, गाड़ी की एवरेज, अभी देखो गाड़ी ना इतनी देर से हम रिव्यू बना रहे थे, गाड़ी स्टार्ट थी अभी भी 12.3 की एवरेज है, और हाईवे पर आपको आराम से इसकी 15-16 की एवरेज मिल जाएगी। टोयोटा यार काफ़ी अच्छी रिलायबल गाड़ी बनाता है, प्लास्टिक क्वालिटी भी आप देख सकते हो, मतलब 8 साल हो गए अभी भी गाड़ी में कोई ऐसी अनवांटेड सी आवाज़ है नहीं। और तो भाई अगर आप कोई सेकेंड हैंड कंसिडर कर रहे हो, जो आपके अगर स्टेट में 15 साल का इशू नहीं है, 10 साल वाला इशू नहीं है पेट्रोल कार्ड वो डीजल कार्स में, तो यार आप ऑल्टिस को फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यार आपको आराम से 8-9 साल पुरानी ऑल्टिस 2014-15 मॉडल आपको आराम से मिल जाएगा, या आराम से आपको 7 या 8 लाख रुपये मिल जाएगा, 6 का भी मिल जाएगा ज़्यादा चली हुई होगी। तो यार आप इसे 6 लाख का लेके आराम से अपने 10 साल और चला सकते हो, गाड़ी की क्वालिटी भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छी है। यार यही थी ड्राइविंग रिव्यू ऑल्टिस के बारे में, थोड़ी सी इसकी ना परफॉर्मेंस आपको निराश करेगी, अगर आप थोड़ा यंगस्टर हो ना, भगाना आपको पसंद है, तो यार आप उसकी जगह ना सेविक या फिर वरना ले सकते हो, क्योंकि भागने में इतनी सुपर नहीं है ये गाड़ी जितनी वो ज़्यादा है। पर यह गाड़ी भाई कंट्रोल और ड्राइविंग के लिए, जैसे गाड़ी की ड्राइव होगी, ब्रेक्स हो गए, जैसे ब्रेकर वगैरह, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। तो यार यही थी मेरी रिव्यू ऑल्टिस के बारे में, होप यू लाइक इट।